बिहार पुलिस मध्य निषेध दो जो कि छः सौ नवासी पोस्ट पर यह भर्ती निकली थी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य निषेध के जवानों को कौन सा हथियार दिया जाता है इन्हें कौन सा काम करना पड़ता है इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है ये सभी कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में वो भी डिटेल से तो उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो का अपडेट पाने के लिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वे वीडियो को शुरू करते हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध सबसे पहले हम आपको इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बता दें इसमें जो भर्ती प्रक्रिया बहुत फास्ट काम होता है बहुत तेजी से होता है इससे पहले मध्य निषेध तीन सौ पैंसठ सीट पर यह भर्ती निकली थी और इसका काम इतना तेजी से हुआ है बिल्कुल तेजी से और इसका जो है ट्रेनिंग भी समाप्त हो गया है फिर इसके बाद मध्य निषेध की भर्ती छिहत्तर सीटों पर आई थी जिसकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है और लगभग सभी ने इसे ज्वाइन भी कर लिया है और दो हजार बाईस में मध्य निषेध की छह सौ नवासी पोस्ट पर यह भर्ती आई है है ना पिछला प्रोसेस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फास्ट काम हुआ है कितनी जल्दी से भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है मध्य निषेध की तो यह छे नवासी पोस्ट पर आई है और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है है ना इतना पोस्ट पे कभी भर्ती नहीं आई है तो ये लगभग में अभी हाईएस्ट पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है मध्य निषेध के बात कर लेते हैं मध्य निषेध के जवानों की ट्रेनिंग कहाँ होती है तो मध्य निषेध के जवानों की ट्रेनिंग राजगीर में होती है और ये लगभग नौ महीने में इनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है लेकिन अगर हम इसमें फेस्टिवल को भी काउंट करें सभी हॉलीडे को भी काउंट करें तो ये लगभग वन ईयर हो जाता है तीन दिन हो जाते हैं एक साल लग जाता है इनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से समाप्त होने में तो अब आपको पता चल गया कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है तो राजगीर में होती है अब बात कर लेते हैं मध्य निषेध के जवानों को क्या काम करना पड़ता है तो मध्य निषेध के जवानों को जो काम करना होता है वो नशेली पदार्थों पर रोक लगाना होता है पाबंदी लगाना होता है जहाँ कहीं भी नशेली पदार्थों का यूज़ हो रहा है उन्हें पकड़ना होता है जो इनका यूज़ कर रहे हैं है ना और जो इसे बड़ी मात्रा में सेल कर रहे हैं इन पर पकड़ना होता है इन्हें धर दबोचना होता है रंगे हाथों तो ये मध्य निषेध के जवान का काम है, है ना जैसे कि बिहार में अभी शराब पे पाबंदी लगी हुई है रोक लगी हुई है तो इन्हें पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है ठीक करना होता है अगर कहीं शराब का सेल हो रहा है तो उस पर रोक लगाना होता है और जो इसका सेल कर रहे हैं उन्हें पकड़ के है ना नबोचना होता है रंगे हाथों तो ये मध्य निषेध के जवानों का काम होता है मध्य निषेध के जवानों का शराब पर रोक लगाना तो होता ही है साथ में नशेली पदार्थों जैसे कि बड़े बड़े होटलों में जो यूज़ होते हैं नशेली पदार्थ जो केमिकल्स जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है इन पर भी रोक लगाना होता है है ना जितने भी नशेली पदार्थ हैं जो कि बहुत मात्रा में सेल हो रहा है है ना उन्हें रंगे हाथों धर दबोचना होता है मध्य निषेध के जवानों का ये मेन रूप से काम होता है बिहार में मध्य निषेध के जितने भी जवान हैं ये जो रोक लगा हुआ है शराब पाबंदी जो लगाई हुई है बिहार में इस पर पूरी तरह कायम करना है इनको और साथ में जो नशेली पदार्थ जो यूज़ होती है है ना ड्रग्स जो है इस तरह के पदार्थों पर रोक लगाना होता है ये सभी काम मध्य निषेध अब बात कर लेते हैं मध्य निषेध को कौन सा हथियार दिया जाता है तो मध्य निषेध को जो कांस्टेबल रैंक पर है अभी तक इन्हें किसी तरह का कोई हथियार नहीं दिया गया है और आपको बता दें मध्य निषेध के जो जवान हैं जो अधिकारी हैं उन्हें पिस्टल दिया जा रहा है अब पिस्टल दिया जा रहा है पहले ये व्यवस्था नहीं था लेकिन अब जो है जो अधिकारी हैं मध्य निषेध के उन्हें पिस्टल जैसे हथियार दिए जा रहे हैं और भविष्य में जो सिपाही रैंक के जो कांस्टेबल हैं उन्हें जो हथियार दिया जाएगा उन्हें भी ये पिस्टल ही दिया जाएगा ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जब अधिकारी को पिस्टल मिल रहा है तो मध्य निषेध के जो जवान हैं उन्हें भी पिस्टल दिया जाएगा क्योंकि इन्हें जो काम करना होता है इनका बहुत ही हार्ड काम होता है है ना हमेशा अपनी सेफ्टी और दूसरे की भी सेफ्टी रखते हुए इन्हें काम करना होता है तो इन्हें भविष्य में जो मध्य निषेध के जो सिपाही हैं जो सिपाही रैंक पर काम करते हैं उन्हें भी पिस्टल दिया जाएगा तो ये थे मध्य निषेध से रिलेटेड कुछ सवाल जो कि आपके द्वारा पूछे जाते हैं कमेंट में आशा है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसी तरह की भर्ती के पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई भर्ती के साथ